हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रियाज क्लासेस वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चैनल सेलेक्शन फैक्टर्स दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट थर्टीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एम सी ओ जीरो सिक्स एम कॉम सेकेंड ईयर इग्नू बिफोर वी बिगिन इफ लाइक द दीडियोज आई एम शेयरिंग डू हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू वोंट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो की इन्फ्लुंस करता है कंपनी को किस बेसिस पे हम एक चैनल का चॉइस करते हैं ये हम आगे एक बार देख so, ले गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके के चैनल देख लिए और ये चैनल्स जो होते हैं ये डायरेक्ट चैनल हो सकता है इनडायरेक्ट चैनल हो सकता है इसके अलावा हमने चैनल के लेवल्स देखे कि किस तरीके के चैनल्स हो सकते हैं सो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट चैनल से हम प्रोड्यूसर टू हमारे जो अल्टीमेट यूजर है उस तक पहुंचाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ चैनल जो होता है अप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है हमारे प्रोड्यूसर के लिए हमारा चैनल इस तरीके का होना चाहिए कि जो हमारा कस्टमर है वो उसके नीड्स को भी फुलफिल करे यानी कि कस्टमर को अगर जल्दी से प्रोडक्ट चाहिए और एकदम सेफ़ली पैकेज करके प्रोडक्ट चाहिए तो हमको भी उसी तरीके से फास्ट डिलीवरी करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें चैनल इस तरीके का चूज़ करना पड़ेगा कि एकदम सेफ़ तरीके से हमारा प्रोडक्ट बिना टूटे फूटे एकदम टाइमली तरीके से हमारे कस्टमर तक पहुँचे तो कस्टमर के नीड्स को कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करता हुआ चैनल हमको सेलेक्ट करना है और प्लस वो कॉस्ट एफिशियंट भी होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा एफिशियंट होना चाहिए चैनल ठीक है बहुत ही स्मूथ से सारा काम होना चाहिए तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन विल बी मार्केट कंसिडरेशन सेकेंड थिंग टू कंसिडर इज द प्रोडक्ट कंसिडरेशन थर्ड वन इज मिडलमैन कंसिडरेशन एंड द फोर्थ वन इज कंपनी ये चारों क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं तो पहला वाला हम देखेंगे प्रोडक्ट कंसिडरेशन यहाँ पे नाम ही है प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो product से रिलेटेड काफी सारी ऐसे चीजें होंगी हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है उसका नेचर कैसा है हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा पहला केस में कि हम किस तरीके का चैनल चूज करते हैं और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ती है वी हैव टू कंसीडर द पेरिश Of the product. Second, we have to consider the bulkiness of the product. Third is the technical nature of the product, and the fourth one is. प्रोडक्ट वैल्यू तो ये चारों चीजों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब हम चैनल को चूज करेंगे एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा product का नेचर जो है प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरीके का है so जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज रिगार्डिंग अवर पेरिशिबिलिटी पेरिशिबिलिटी का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है और वो जल्दी से कंज्यूम किए जाते हैं प्रोडक्ट सचेस्ट एग हो गया मिल्क हो गया ये सब चीजें जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को अगर आप लॉन्ग चैनल को उसको यूज करोगे तो क्या होगा अगर आप बीच में एजेंट भी घुसाओगे होलसेलर को भी घुसाओगे रिटेलर को भी घुसाओगे इन सब को बीच में लाने से क्या होगा हमारा चैनल लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग चैनल में क्या लगता है टाइम लगता है ठीक है तो अगर हम मिल्क की बात करें अगर हम लॉन्ग चैनल को लेंगे तो मिल्क जो है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते ही वो रास्ते में क्या हो जाएगा वो खराब हो जाएगा ठीक है तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं हम पेरिशेबल गुड्स के लिए पेरिशेबल गुड्स के लिए हम शॉर्ट चैनल्स को प्रेफर करते हैं ताकि स्पीडी डिलीवरी हो ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर ठीक है So, अगर हम शॉर्ट चैनल को यूज करेंगे तो हमारा जो ब्रेड है हमारा जो मिल्क है ये सारी चीजें जो है टाइमली स्पीड तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी से हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा और जो प्रोडक्ट है वो खराब भी बिल्कुल नहीं होगा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट दैट इज अवर बल्किनेस यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हैवी प्रोडक्ट है या हमारा प्रोडक्ट लाइट है ठीक है हमारा प्रोडक्ट हैवी है या लाइट है इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का चैनल यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्रोडक्ट हैवी और बल्कि है जैसे कि सीमेंट हो गया स्टील हो गया हैवी मशीनरी हो गया तो इन सब के केस में जो हैंडलिंग कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो जो है बहुत ज़्यादा हाई लगता है ठीक है तो इस केस में हम जो है शॉर्ट चैनल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट अगर हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि गारमेंट्स हो गया स्टेशनरी हो गया टूथब्रश कैलकुलेटर ये सारे चीज़ें जो हैं ये लाइट वेट स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स में आते हैं और इन सब के लिए जो होता है जो कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता हैंडलिंग कॉस्ट वग़ैरह तो इसके लिए हम लॉन्ग चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के बल्किनेस पे यानी कि हमारा प्रोडक्ट हैवी है या लाइट है इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का चैनल को प्रेफर करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोडक्ट नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट दैट इज़ टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना सोफेस्टिकेटेड है अगर हमारा इक्विपमेंट जो है बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है तो ऐसे प्रोडक्ट्स एक तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेकेंड इनको जो हैंडलिंग होता है हैंडलिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनको बहुत केयरफुल तरीके से हैंडल करना होता है तो जनरली ये जो होते हैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय आवर मैन्युफैक्चरर्स ठीक है तो क्योंकि इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है हमारा प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट भी महंगा है उसको हैंडलिंग करना भी बहुत ही पंगा है तो ऐसे प्रोडक्ट में डायरेक्ट सेल जो होता है डायरेक्ट सेल करना मैन्युफैक्चरर्स हमारा प्रिफर करते हैं बीच में हम किसी रिटेलर या होल को इस केस में नहीं लाते हैं बट इसके अलावा अगर हमारा सिंपल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स है जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की बात करें टाइम क्लॉक की बात करें तो इन सब के लिए सिंपल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम जो है लॉन्ग चैनल को यूज कर सकते हैं बट अगर ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट हो तो उसके लिए हम शॉर्ट चैनल ही प्रेफर करेंगे द लास्ट एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू अवर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि पर यूनिट वैल्यू हमारे प्रोडक्ट का क्या है एक यूनिट का वैल्यू क्या है अगर जो है हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा नहीं है सस्ता है लो लो कॉस्ट का है तो हम उसके लिए जो है लार्ज यानी कि लॉन्ग चैनल्स को हम यूज कर सकते हैं बट अगर हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम जो है हम शॉर्ट चैनल को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि जो होता है ये शॉर्ट चैनल अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो होता है उसको हम बल्क में सोल सेल कर सकते हैं ठीक है या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ हम कंबाइन करके उसको बेच सकते हैं तो प्रोडक्ट के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरीके का चैनल यूज करेंगे तो हमने प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट product से रिलेटेड चार एस्पेक्ट देखे हमने देखा कि हमारा प्रोडक्ट पेरिशेबल है क्या नहीं या फिर वो बल्कि है क्या नहीं वो लाइट वेट का है या भारी प्रोडक्ट है इसके अलावा हमने देखा कि वो टेक्निकली सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट है या सिंपल प्रोडक्ट है एंड फाइनली हमने प्रोडक्ट वैल्यू को देखा तो प्रोडक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ये सब सारे डिफरेंट तरीके के हमने एस्पेक्ट देखे और इन सब पे डिपेंड करेगा कि हम लॉन्ग चैनल को प्रेफर करेंगे या हम शॉर्ट चैनल को प्रेफर करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोडक्ट सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग Like, share and subscribe to RIA's classes. Thank you and bye bye.